उत्तराखंड में सर्द हवाओं से बुरा हाल है। घने कोहरे के बीच में गाड़ियों की रफ्तार रुक गई है। ठंड से लोग घरों पर रहने को मजबूर है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो घने कोहरे की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। ठंड से लोग घरों में रहने को मजबूर है, अलाव का सहारा ले रहे हैं, बाहर आने से कतरा रहे हैं और कोहरे की चादर पूरे शहर पर दिखाई दे रही है। तो घने कोहरे के बीच में गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगता हुआ, विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। लगातार तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। तो पहाड़ी और मैदानी इलाकों में ठंड लगातार बढ़ती हुई जा रही है और साथ ही मौसम विभाग की ओर से कहना है कि शीतलहर अभी और भी ज्यादा परेशान करेगी। तो मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया। उत्तराखंड में सर्द हवाओं से बुरा हाल देखने को मिल रहा है। ठंड का जो प्रकोप है वो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में सर्द हवाओं से बुरा हाल है। तो घने कोहरे के बीच में गाड़ियों की रफ्तार भी रुक गई है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। ठंड से लोग घरों में रहने को मजबूर है और साथ ही सर्द हवाएं शीतलहर लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रही है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील सोनकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ तापमान लगातार जो शीतलहर है वो लोगों को परेशान कर रही है, मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ कहा गया है? प्रीति, देखिए जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड में अब मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया और यहाँ पर सुबह से ही कोहरे छा रखा है और नीचे पहले से ही कोहरे ने काफी हाल बेहाल कर रखा है। विजिबिलिटी बहुत कम है। अब इसका असर पहाड़ी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में ये अनुमान जताया है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होगी तो उसका असर निचले इलाकों में भी पड़ेगा, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि जहां निचले इलाकों में कोहरा ने लोगों को परेशानियां बढ़ा रखी थी वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में धूप खिली हुई थी। तो इसका कहीं ना कहीं अलग असर पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा था, परंतु आज सुबह से ही पूरे क्षेत्र में बादल छाए हुए हैं और जो मौसम विभाग ने पूर्व में अनुमान जताया है कि जो दो दिन मौसम यहाँ पर खराब रहेगा वो और बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं बारिश और बर्फबारी होने की संभावना यहाँ दिख रही है। तापमान में अब लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जी बिल्कुल सुनील, और देखिए कोहरा लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, रफ्तार पर ब्रेक लग गई है, ऐसे में आने वाले दिनों में अभी कोहरा और भी ज्यादा परेशान करने वाला है? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से मौसम बिगड़ेगा और कोहरा लगातार बढ़ रहा है, विजिबिलिटी बहुत कम है, ऐसे में जो गाड़ियों की रफ्तार है वो काफी कम हो गई है, लोग बड़े संभल के चल रहे हैं और सुबह के समय यह हाल काफी खराब रहता है। दिन आते आते थोड़ा बहुत कोहरा छटता जरूर है, परंतु जब सुबह का जो समय है वो काफी खतरनाक होता है और ठंड भी काफी होती है और ऐसे में जैसे मौसम विभाग ने बताया है कि दो दिन बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद है पहाड़ी क्षेत्रों में और निचले इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है। जी बिल्कुल सुनील, और सीधे तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि मौसम जिस तरह से अपना मिजाज बदल रहा है, लोगों को सावधान रहने की भी जरूरत है, चूंकि ऐसे मौसम में ही तमाम बीमारियों की चपेट में हम आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से मौसम बदलता है तो लोगों के स्वास्थ्य में भी इसका सीधा असर पड़ता है और ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। खासकर अगर जो पहाड़ी क्षेत्र है तो उनको घर से बाहर निकलते हुए गर्म कपड़ों यहाँ पर पहनना जरूरी है। वही लोग पहले से इंतजाम कर लेते हैं, क्योंकि अगर जनवरी फरवरी की मार्च की बात करी जाए तो लगातार यहाँ पर मौसम बदलता है और जिस तरीके से मौसम विभाग है, क्योंकि अभी तक पहाड़ी क्षेत्रों में उस तरीके की बर्फबारी मिट्टी मिट्टी जैसे होती है तो ये अनुमान जताया जा रहा है कि जनवरी के अंत तक और फरवरी के पहले सप्ताह में पहाड़ पूरे सफेद हो जाएंगे, बर्फ जहाँ पर पड़ेगी तो फिर लोगों पहले से तैयार है और ऐसे सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको अपना स्वास्थ्य तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। जी सुनील, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे।